Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बुरहान हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हम लोगों का मानना है कि ये टॉपिक पूरी तरीके से दुनियावी टॉपिक है, लेकिन हम ये देखेंगे कि इस टॉपिक का क्या रिलेशन है कुरान के साथ, अल्लाह ताला ने इसके बारे में क्या अहकाम दिए हैं। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मेरी कोशिश है इस वीडियो के ज़रिए से मैं कई मैसेज आप लोगों तक देना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बात को। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अकाउंटेंसी जो है ये बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन अगर आप देखिए, आप लोग कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो कुरान शरीफ के अंदर सूरह बकरा की आयत नंबर 282 के अंदर, काफ़ी लंबी आयत है तो मैं पूरी आयत पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, एक मुख्तसर से आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इसमें क्या फरमाया। अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया है कि जब हम लोग कर्ज लें तो कर्ज लेने के बारे में फरमाया कि कर्ज लें तो उसको लिख लें, लेने वाले को चाहिए कि लिख लें, दो गवाह बना लें। अगर दो गवाह नहीं है, दो मर्द गवाह बना लें, अगर दो मर्द नहीं हैं तो एक मर्द, दो औरतें गवाह बना लें। और जो हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम लिख लें, गवाह बना लें। तो अब दोस्तों ये पूरी काफ़ी लंबी आयत है, इसके बारे में काफ़ी तफसील के साथ दिया हुआ है, तो मैं पूरी तफसील में नहीं जा रहा हूँ, मुख्तसर से आपको बता रहा हूँ। तो अब देखिए, अगर आप ये सोचिए कि अल्लाह ताला ने ये टॉपिक, ये अहकाम क्यों दिए, तो ये यहाँ से एक बात तो ये मालूम पड़ती है कि जो कहा जाता है कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, तो देखिए अल्लाह ताला अपने बंदों के बारे में बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके बंदे जो हैं किसी भी वक्त किसी भी मुश्किल में फंसें। तो इसलिए अल्लाह ताला ने पूरी कुरान में जो भी अहकाम दिए हैं वो इस तरीके से हैं कि अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हम किसी परेशानी में मुब्तला नहीं होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो इसमें फरमाया कि लिख लें, ताकि आगे ये भी है कि ताकि वक्त के ऊपर काम आए। अब ये बताइए, अगर हम लोग इसको अपनी ज़िंदगी में देखें कि हम लोग कहाँ पे क्या फॉलो करते हैं, तो अल्लाह ताला ने देखिए फरमाया लिखने के लिए। तो अब लिखने का मतलब ये है, लिख कर के क्या करें, कहीं भी रख दें ताकि वक्त पे काम ना आए। अक्सर ऐसा होता है कुछ चीज़ लिख कर रख दिया, वक्त ज़रूरत पड़ी तो काम ढूंढे नहीं मिल रही। तो उसमें एक ये भी मैसेज छुपा हुआ है कि उसको लिख करके महफूज रखें, इसी का नाम है डॉक्यूमेंटेशन। जो लिखने के बारे में, ट्रांजेक्शन्स को लिखने के बारे में जो बात आई है वो है अकाउंटेंसी। जो लिखना है वो अकाउंटेंसी है, जो लिख करके रखना है वो डॉक्यूमेंटेशन है। मैं आपको एक थोड़ा सा एक मिसाल के तौर पर के चीज़ सुनाना चाहता हूँ। जो अकाउंट्स की बुक में जो अकाउंट की डेफिनेशन दी गई है वो क्या डेफिनेशन है, अकाउंट की बुक में एक रोलैंड है, उनकी डेफिनेशन है पुस्तपालन सौदों को कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर लिखना है, ये अकाउंटेंसी की डेफिनेशन ये है। एक और डेफिनेशन है पुस्तपालन, पुस्तपालन लाइक बुक कीपिंग यानी जिसको डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। पुस्तपालन व्यापारिक व्यवहारों का निश्चित पुस्तकों में लेखा करने की कला है, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी। तो मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूँ, इस टॉपिक को मैंने क्यों चूज़ किया, इस टॉपिक को हमने ये इसलिए चूज़ किया कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर देखें तो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल नहीं करते हैं। जो लोग बिजनेसमैन हैं, मैंने उनको भी देखा है, उनका भी डॉक्यूमेंटेशन बहुत कमज़ोर है। अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स से कुछ कागजात अगर मांगता हूँ तो किसी के पास कोई कागज़ है नहीं। ये तो बिजनेस की बात हो गई, लोग बिजनेस में भी लापरवाही बरतते हैं। और अपने घरों में देखिए, एक बहुत छोटी सी मिसाल, हम लोग हर महीने बिजली का बिल जमा करते हैं, लेकिन अभी जब कंप्लेंट की बारी आती है अगर बिजली गड़बड़ हो जाए तो एक बिजली का बिल ढूंढे नहीं मिलता है, कहीं तकिया के नीचे रखा है, कहीं किसी दराज में रखा है, कहीं किसी किताब में रख दिया, कहीं किसी फाइल में रख दिया, कहीं किसी अलमारी के ऊपर रख दिया, एक बिजली का बिल ढूंढे नहीं मिलता है। हालांकि है क्या, हमने पैसा दिया, उसकी रिसीट है, डॉक्यूमेंट है। ये तो बहुत छोटी सी मिसाल है। हम अगर देखें अपनी ज़िंदगी में, एक और आपको मिसाल दे रहा हूँ, निकाहनामा। आप लोग मेरी मैसेज वीडियो देखने के बाद देखिएगा कि किस किस के पास निकाहनामा है। आप सब लोग अपने अपने निकाहनामा तलाश कीजिएगा, जो लोग शादीशुदा हैं। आधे से ज़्यादा लोग ऐसे मिलेंगे जिनको अपने निकाहनामे ढूंढे नहीं मिलेंगे, उनको पता ही नहीं निकाहनामा है कहाँ। अब मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि कल को
कोई सरकार ऐसी आती है जो कोई ऐसा कानून बना दे कि वही नागरिक माना जाएगा जिसका निकाहनामा होगा, जैसे अभी एक सी एनआरसी वाला मुद्दा आया था, उसी तरीके से मान लीजिए इन फ्यूचर कोई ऐसा कानून आ जाता, जैसे अमेरिका के अंदर अगर आपको सिटीजनशिप लेना है तो वहाँ एक रूल है कि वहाँ जा करके जिसने शादी कर ली वहाँ के किसी सिटीजन से तो वहाँ का सिटीजनशिप उसको मिल जाती है। अगर इसी तरीके का कोई कानून हिंदुस्तान में आ जाता है इन फ्यूचर कि वही आदमी या वही औरत यहाँ की सिटीजन मानी जाएगी जिसके पास निकाहनामा होगा, जिसने यहाँ के नागरिक से शादी की होगी, तो वहाँ पर निकाहनामा तो है ही नहीं। फितना कभी भी कोई आ सकता है, कोई उसको कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है हमारी ज़िंदगी में, अब ये आयत कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए, अल्लाह ताला ने इसीलिए इस आयत को उतारा कि हम लोग इसको अपनी ज़िंदगी में फॉलो करें और आने वाली परेशानियों से बचें। अभी जो माजी में हुआ उसमें हम लोग सब इसी वजह से परेशान हुए कि हम लोगों का डॉक्यूमेंटेशन मजबूत नहीं था। हमारे किसी पास डॉक्यूमेंट्स हैं, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, लेकिन आधार कार्ड में नाम कुछ और लिखा हुआ है, पैन कार्ड में नाम कुछ और लिखा है, हमने कभी देखा ही नहीं, गौर ही नहीं किया। ढूंढो तो बहुत से मेरे जानने वाले ऐसे हैं जिनको कहते हैं यार आधार कार्ड तो मेरा बना हुआ है, पैन कार्ड ही बना हुआ है, लेकिन पैन कार्ड ढूंढे नहीं मिल रहा। इतना ज़रूरी डॉक्यूमेंट पैन कार्ड ढूंढे नहीं मिल रहा, पैन कार्ड कहाँ रख दिया, आधार कार्ड कहाँ रख दिया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से लोग डॉक्यूमेंट होते हैं उनके जो एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं वो नहीं ढूंढे मिलते हैं, और बाकी जो बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तो रखना ही रखना है। बहुत से ऐसे मिसालें हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि कुरान शरीफ जो हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ सवाब की नियत से, और हम लोग तर्जुमा नहीं पढ़ते हैं, हम लोग ये ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कुरान के अंदर सिर्फ अल्लाह रसूल की बात होगी, दीन की बात होगी, बस और तो कुछ होगा नहीं, तो बस सवाब के लिए वही सब पढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन आप कुरान शरीफ पढ़िए तो देखिए पूरी कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड बहुत सी आयतें उतारी हैं। हम अगर उनके ऊपर अपने आप को चलाएं, उनको फॉलो करें, तो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। सोसाइटी के बारे में अल्लाह ताला ने बहुत सी आयतें उतारी हैं, अगर हम उनको फॉलो करें तो हमारी सोसाइटी में जो खराबी आई हुई है उस खराबी से हम बच सकते हैं। मियां बीवी के ताल्लुकात को लेकर के अल्लाह ताला ने बहुत सी आयतें उतारी हैं, अगर हम कुरान को पढ़ें और उसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें तो बहुतों की तलाकें बच सकती हैं, बहुत से लोगों की ज़िंदगी गुलजार हो सकती है, जिनकी घरों में आज टेंशन है तो वो टेंशन दूर हो सकती है। बस हमको कुरान शरीफ को पढ़ना है समझ करके उसकी माने और तफसीर के साथ। और आपको बताएं कि कुरान शरीफ के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। कुरान शरीफ के अंदर कोई एक टॉपिक नहीं है, सिर्फ वही नहीं कि बस दीन और रसूल और जन्नत और दोज़ख़ सिर्फ यही चीज़ें हैं। कुरान शरीफ के अंदर आपको सोशल एथिक्स मिलेगी, आपको प्रोफेशनल एथिक्स मिलेगी, आपको जूलॉजी मिलेगी, आपको जियोलॉजी मिलेगी, आपको एस्ट्रोलॉजी मिलेगी, आपको सिविल लॉज मिलेंगे, आपको क्रिमिनल लॉज मिलेंगे, आपको अंदर आपको उसके अंदर बायोलॉजी मिलेगी, आपको उसके अंदर मेडिकल साइंस मिलेगी, आपको उसके अंदर सेक्स एजुकेशन मिलेगी, हर चीज़ आपको मिलेगी कुरान के अंदर। लेकिन आप पढ़िए तो ज्योग्राफी हिस्ट्री हर चीज़ मिलेगी आपको उसके अंदर कुरान के अंदर, लेकिन आपको पढ़ना है। अब कुरान कलाम किसका है? अल्लाह का। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उसको बहुत ही मुख्तसर तौर पर एक एक आयत का बहुत बड़ा बड़ा मतलब है, एक एक आयत के की तफसीर में पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं। आप कोई अच्छी सी तफसीर वाली कुरान लीजिए, उसको पढ़िए और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में फॉलो कीजिए। और इसी आयत नंबर 282 के अंदर जो कर्ज के बारे में बताया गया है, आज हम लोग अक्सर आपस में कर्ज लेते देते हैं। आप देखिए, अगर आप किसी बैंक से कर्ज लेते हैं तो बैंक वाला क्या है, आपको लिखा लेगा कि आपका टर्म कितने दिन के अंदर आपको इसको वापस करना है। बैंक वाले इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट अपने यहाँ हराम है। बहुत कम मुसलमान बहुत ही मजबूरी के तहत लेते हैं बैंक से लोन, लेकिन बहुत से लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है तो लोन लेते हैं, कोई अपने रिश्तेदार से लेता है, कोई अपने दोस्त अहबाब से लेता है, जानने वाले से लेता है। लेकिन वहाँ पे अगर वो जानने वाला ये कह दे कि कितने दिन में चुकाओगे बताओ हमको लिखना है, तो आदमी बुरा मान जाता है, क्या क्या मेरे को भरोसा नहीं है कि हम लेके भाग जाएंगे। लेकिन भाग नहीं जाएंगे, अगर वो लिख रहा है और यहाँ पे उसको लिखना चाहिए और आपको लिखाना चाहिए और दो गवाह बनाना चाहिए, ये कुरान का को आप फॉलो कर रहे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप कुरान की नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं।
और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर आप किसी गैर से बैंक से आप लोन ले रहे हैं, वो आपसे टर्म एंड कंडीशन लिखा रहा है, तो अगर आप किसी अपने से ले रहे हैं और वो अगर लिखना चाह रहे हैं तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। और इसी आयत में आगे ये भी लिखा हुआ है कि आप जो कर्ज लें तो उसको वक्त से अदा करें। ये एक अलग बात है कि किसी वजह से आपके पास पैसा नहीं हो पाया, वक्त पे नहीं दे पाए, तो देने वाले को चाहिए कि वो वक्त दे, मोहलत दे। लेकिन इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है कि अगर वो ये आपसे कह रहा है कि आप कितने दिन के लिए पैसे लेने, कितने दिन में चुकाएंगे। हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर जरूरत पड़ा करती है किसी को शादी के लिए, लड़की की शादी के लिए, किसी को अपने बिजनेस के लिए छोटे मोटे लोन को 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 इस तरीके से लोन लेता है। तो अगर कोई आदमी लिखा रहा है तो लेने वाले को चाहिए कि लिखाने में कोई शर्मिंदगी ना करे, कोई नाराजगी का इजहार ना करे। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, कि लेने वाले को ये चाहिए कि जो मुद्दत उसने लिखाई है उस मुद्दत के अंदर उस लोन को, उस कर्ज को अदा करने की कोशिश करे। अगर इंस्टॉलमेंट में अदा कर रहा है तो इंस्टॉलमेंट में अदा करे, एकमुश्त अदा करने का वादा किया तो एकमुश्त अदा करे, लेकिन उसको चाहिए अदा करने की कोशिश करे। मैं जाने बहुत से अक्सर लोग ऐसे आते हैं और फिर उसके बाद बुराई पड़ जाती है, वक्त पे अदा नहीं करते हैं, लिखाया है नहीं, मांगने वाला वो बेचारा ये सोच रहा है लोग हम अपना पैसा, मेरा पैसा हम नहीं मांग सकते। और अगर उसने मांग लिया तो बुराई, लेने वाला कह रहा है लो हमारे पास भरोसा नहीं था, लगता है हम लेके भाग जाएंगे। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। तो बहरहाल मेरी ये कोशिश थी कि आप तक इस आयत को मुख्तसर तौर पर आपके सामने पेश करूँ। मसले मसाइल के लिए आप किसी आलिम मुफ्ती से रुजू कर सकते हैं। आज मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के वक्त पर पहुँच सके। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।